अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मुनव्वर अली और आप देख रहे हैं मुनव्वर टीवी स्टूडियो। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। आपने हमारी वीडियो जो है मुकम्मल वाच करनी है, और वीडियो में जाने से पहले हमारी हमेशा एक छोटी सी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट दें। तो नाज़रीन, आज हम आपको दिखाएं कि हमने मूलियां बिजाई की हुई थी और कुछ सब्ज़ी और भी बिजाई की हुई है, तो हम आपको दिखाते हैं कौन सी सब्ज़ी बिजाई की हुई है और वो किस तरह की होती है जी। तो नाज़रीन, ये यहाँ पे आपको गंदम नज़र आ रही है। पहले हमने यहाँ पे मटर बिजाई किए थे लेकिन वो कुछ ठीक नहीं हुए, तो इसलिए हमने दोबारा इसको में हल चलाकर जो है ना गंदम बिजाई कर दी। ये देखें, गंदम माशाल्लाह से बहुत अच्छी निकली हुई है। ये थोड़ी सी दूसरी गंदम से लेट हुई है लेकिन माशाल्लाह अच्छी हो गई है। तो और इसके अलावा यहाँ जो हमने ये देख सकते हैं, ये मटर के कुछ पौधे जो हैं ये थोड़े थोड़े एक साइड पर रह गए हैं। यहाँ पे हमने टोटल जो है ये चार कनाल में मटर बिजाई किए हुए थे। और इसके आगे जो है ये देखें, ये मूलियाँ बिजाई की हुई हैं। ये तमाम जो हैं आपको नज़र आ रही हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं कि मूलियाँ जो हैं वो किस तरह ज़मीन में होती हैं, कैसे निकाली जाती हैं, और इसका इस्तेमाल जो है वो बताएंगे कि कैसे किया जाता है और इसका फ़ायदा क्या है। नाज़रीन, मूली जो है ये एक सब्ज़ी है जिसमें बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स होते हैं और मैदे के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। कच्ची भी खाई जा सकती है, कच्ची खाने में बहुत फ़ायदेमंद होती है। और इसकी जो है सब्ज़ी भी पकाई जाती है, सालन बनाया जाता है, और इसके जो पत्ते हैं ये सुखा कर जो है ना मेडिसिन में इस्तेमाल किए जाते हैं। और काफ़ी इसके जो देसी चीज़ें हैं वो बनती हैं, और इसकी जो है मसलना फक्की भी बनाई जाती है खुश करके मूली को। इसके बीज के जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वो मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं। तो ये नाज़रीन, कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये मूली ज़मीन से कैसे निकाली जाती है और किस तरह की दिखने में होती है जी। तो नाज़रीन, ये आज के व्लॉग में हम आपको सब्ज़ी अपनी दिखाएँगे, दिखाएंगे कि ये मूली कैसे निकाली जाती है और खाने में कितनी मज़ेदार होती है। ये देखें, इसका जो है ना बीज लगाया जाता है थोड़े थोड़े फासले पे। अगर ये ज़्यादा करीब बीज इसका लगाया जाए तो ये मोटी नहीं होती, ये बारीक बारीक सी रह जाती हैं, लेकिन इसका जो है थोड़ा थोड़ा फासले पे बीज लगाया जाता है इसलिए ये मोटी हो जाती हैं। ये आपको दिखाते हैं, ये भी माशाल्लाह से ये मूली भी तैयार है इस ज़मीन से निकालने के लिए, एक छोटी एक बड़ी है, और पिछली भी दो तैयार थी। और ये इस तरह देखें, और ये देखें ये भी तैयार हो गई। मोहम्मद, इसको निकालो, क्या हुआ, कंडा किधर से आया, ठहरो खींचो, क्या हुआ, निकल फड़ो, निकालोगे कैसे, निकालो जोर लगाओ, ये उल्टे पट्टे, हाँ निकालो जोर लगाओ, किधर आऊँ, कौन सी निकालनी है, निकालो जोर लगाओ, जोर लगाओ, ऊपर से नहीं तोड़नी है, निकालना है, निकालो पापा, क्या हुआ, ओ, इसके साथ वाली दूसरी, ये वाली, ये
हाँ इसको निकालो, ये छोटी है। निकल मेरे। हाँ निकालो इसको, निकालो ये। हाँ निकालो। ओए जी, तो नादरीन ये हम निकालते हैं इसको ज़मीन से। ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी है ये, उधर रखे हो इसको। क्या निकालो, जोर लगाओ। चलो उठाओ इनको घर ले चले। जी तो हमने इतनी सी मूलियाँ जो है ना ये ज़मीन से निकाल ली हैं, खाने के लिए काफ़ी हैं। उठा लोगे? सारी उठा लोगे? सारी उठा लो, सारी उठा लो। नहीं तुम ले चलो, मैं बड़ा हूँ। तुम बड़े हो, तुम छोटे हो। हाँ मैं छोटा हूँ। तुम बड़े हो या छोटे हो? बड़े। मैं छोटा हूँ हाँ, इसलिए तुम ये सारी ले चलो। जी ये अंश कह रहा कि मैं बड़ा हूँ और तुम छोटे हो, इसलिए ये सारी मैं ले चलता हूँ। और ये दोस्तों हमने कुछ जो है ना लहसुन एक साइड पर बिजाई किया हुआ है, ये देखें। साथ में टिंडियाँ बिजाई की हुई हैं, पिछली वीडियो में आपको बताया था। ये अब सुबह इंशाल्लाह इसकी दोबारा जो है ना संडे को इसकी दोबारा तुड़ाई करनी है। ये देखें एक एकड़ की मुसाफत पे ये टोटल हमने जो है ना लहसुन बिजाई किया हुआ है। एक फैमिली के लिए खाने के लिए बहुत ज़्यादा है ये, माशाल्लाह से काफ़ी निकल जाएगा। जी तो नाज़रीन हमने ये मूलियाँ तोड़ ली हैं, अब इनको बांधने लगे हैं। ये देखिए बांधने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, थोड़ा सा जो है ना मूंजी का भूसा लिया और इसको जो है ना थोड़ा सा ये देखें ऐसे किया और इसको बांध देते हैं। जी तो देखें काफ़ी हैं, इतनी बड़ी हैं खाने के लिए। फिर जब ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर और ले जाएंगे इनको। ये आ गई हैं हमारी बाइक के पे रख दी हैं, इनको आप घर लेके चलेंगे। जी तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।